हेलो डियर स्टूडेंट, ये एग्जाम गुरु चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। एग्जाम 2020 एक पहल आपके उज्जवल भविष्य के लिए जो बच्चा हमने यहाँ पे शुरू करी है, ठीक है, जिसमें बच्चा हम लोग यहाँ पे सभी जो आपके अपकमिंग एग्जाम है उनके अकॉर्डिंग और आपके जो जो बच्चे आपके प्रीवियस एग्जाम हो चुके हैं उसको बेस मान के या करंट में जो आपका पैटर्न चल रहा है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसे हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम 2020 डेली आपका रात को 9 बजे बच्चे आपके शुरू होते हैं और डेली ही आपका ये रेगुलर चलेगा, यानी कि मंडे टू सैटरडे डेली आपका ये क्लास चलती है। और यहाँ पे बच्चे आप सभी लोग क्लास शुरू होने से पहले शेयर करते रहे, ठीक है, सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। बच्चा आप सभी लोग गुड इवनिंग, प्रत्युष आनंद जी गुड इवनिंग, और यहाँ पे सभी क्लासों में रेगुलर रहने के लिए बच्चा आपका भी धन्यवाद, ठीक है। प्रत्युष आनंद कृष्णा हो गया जैसे बच्चा, ठीक, सुनील कुमार जी हो गए। तो बच्चा आज के लिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बच्चा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बच्चा आपका, ऐसे शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? मॉर्निंग की क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में कि ऐसे खेल, समझ लो, ऐसे शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे एग्जामिनर कभी पूछ ले तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आना चाहिए? तो बच्चा आपका किससे है ये? क्रिकेट से संबंधित है। ऐसे किससे संबंधित है आपका? क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा बच्चा आपका? बी। गुड इवनिंग शुभम सकलानी जी, गुड इवनिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बच्चा आपका। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है, यानी बच्चा वहां पे मस्कट के तौर पर क्या रखा गया आपका? टोक्यो यानी कि 2020 में जो आपके समर ओलंपिक है, समझो बच्चा आपका, समर ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे होना है? तो ये बच्चा आपका कहाँ पे होगा? तो ये होगा आपका टोक्यो जापान के अंदर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का, और जिसका समझ रहे बच्चा यहाँ पे मस्कट क्या बनाया गया आपका? तो मिराई टाऊ करके बच्चा आपका, ठीक है ना, मिराई टाऊ करके बच्चा इसका, यानी कि डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आएगा आपका डी। बच्चा यहाँ सभी लोग क्वेश्चन को नंबर के हिसाब से मेंशन करके आप लोग आंसर देंगे, हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चा आपका अगला क्वेश्चन क्या आपका, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई यानी कि बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बच्चा ये किससे जुड़ा हुआ आपका? तैराकी से, यानी कि किससे बच्चा? स्विमिंग से जुड़ा हुआ, यानी कि डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, जो कि आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 3 का भी राइट आंसर आएगा बच्चा आपका डी। आगे बढ़ते हैं बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। एंथ्रासाइट की बात की गई बच्चा आपका, यानी कोल इंडिया का एग्जाम होना है तो आपको माइंस से यानी कि आपका क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका? एंथ्रासाइट इज द ओर ऑफ, यानी कि एंथ्रासाइट किसका अयस्क है? और राज्य के अंदर आपके जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आपके जो एग्जाम होंगे बच्चा तो वहां पे भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आयरन का हो गया, कोल हो गया, गोल्ड, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका? एंथ्रासाइट किसका अयस्क है? क्वेश्चन नंबर 4। तो राइट सही आंसर क्या आएगा बच्चा आपका? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आना चाहिए? एंथ्रासाइट। कौन दे रहा आंसर? जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आए क्या आना चाहिए बच्चा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या आएगा बच्चा? एंथ्रासाइट इज द, समझ बच्चा आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका? एंथ्रासाइट किसका, हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बच्चा आपका, ठीक है। तो याद रखना बच्चा एंथ्रासाइट किसका है? कोल, यानी कि बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, जो आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आएगा आपका बी, समझो, कोल का होता है, यानी कि कोल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा हम लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था आपका बी, जो क्वेश्चन आपके सामने था उसका राइट आंसर आएगा बच्चा आपका बी, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, मर्डेका कप इज द एसोसिएटेड, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? तो मर्डेका कप किससे संबंधित है बच्चा आपका? तो ये क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या आएगा बच्चा आपका? यानी कि ए फुटबॉल से संबंधित है, समझ रहे हो, मर्डेका कप आपका फुटबॉल से संबंधित है बच्चा। ये जो सीरीज है आपकी ये इस बेस पे आपका, यानी कि प्रैक्टिस आप अपने लेवल पे कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे बेटर वे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। गुड इवनिंग अभिषेक, गौरव जी गुड इवनिंग।
आगे बढ़ते हैं बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, आगा खां कप का नाम आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। तो आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट से। ठीक है, तो किससे होगा बच्चा आपका? आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा बच्चा आपका? तो ये हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप किससे आपका? हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपके स्क्रीन के सामने था बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर था बच्चा आपका बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चा हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चा आपके स्क्रीन के सामने है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसमें स्थित है? द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल इज द सिचुएटेड इन द उत्तर प्रदेश, राजस्थान, या आपका महाराष्ट्र, या मध्य प्रदेश। तो कहाँ पे बच्चा आपका? माउंट आबू। समझ बच्चा आपका कहाँ पे? ये माउंट आबू में, ठीक है ना? माउंट आबू यानी कि आपका कहाँ पे बच्चा? राजस्थान के अंदर। ठीक, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर था आपका बी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर कौन दे रहा है बच्चा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली गैस पाइपलाइन, मनोज कुमार जी बच्चा, ठीक है ना? भारत में पहली गैस पाइपलाइन बच्चा, जिसका नाम क्या था आपका? HBJ करके भी आता आपका। कई बार आप लोगों ने सुना होगा बच्चा, HBJ करके भी आता आपका, कि भारत में पहली गैस पाइपलाइन 1986 के आसपास ये शुरू हुई थी। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पे शुभम सकलानी जी, बहुत बढ़िया, आपका राइट आंसर है महाराष्ट्र। समझ लो, हजीरा आपका, बीसपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? रिसेंटली संडे को आपका एक एग्जाम होता है, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बच्चा आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका? महाराष्ट्र, डी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं बच्चा हम लोग। इसका नाम क्या है? HBJ। यहाँ पे बच्चा समझ लो, यहाँ पे HBJ गैस पाइपलाइन जो कि किसके पास है बच्चा आपका? तो याद रखना बच्चा, जो अथॉरिटी आपकी वो कौन सी, इसमें वो भी ध्यान देंगे हम लोग। तो याद रखना, स्टेट आएगा आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन राज्यों से होकर गुजरती है आपकी। और जिसका जहाँ कहाँ से शुरू होती है आपके? हजीरा गुजरात से। और कहाँ तक बच्चा आपका? पासेस थ्रू द बीसपुर मध्य प्रदेश टू जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक। ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के पास है बच्चा आपका, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास है। और इसकी जो बच्चा कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था आपका तो 1986 में, और इसकी जो सब बच्चा कमीशन, समझ लो यानी कि ये कमीशन कब हुआ था आपका? 1997 में। ठीक, तो ये भी ध्यान देना बच्चा आपका, नया क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया, इसलिए पता है मैंने आप लोगों को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग बच्चा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज द कैपिटल ऑफ सोमालिया? सोमालिया की कैपिटल कौन सी है बच्चा आपका? जुबा हो गया यहाँ पे, तो याद रखना मोगादिशु। सोमालिया की कैपिटल क्या है? मोगादिशु, यानी कि सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा बच्चा, जो आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने था। ठीक है, सही आंसर था बच्चा आपका। हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो अगले आपका याद रखना बच्चा, मैंने आप लोगों को शायद मॉर्निंग में बताया था इसके बारे में, कि भारत में अब जो ऑफिशियल रूप से बच्चा आधिकारिक पहले कितने थे? 12 बंदरगाह थे, अब जो 13वां बनेगा, जिसके लिए 5,500, समझ रहे हो आपका, करोड़ का बजट जारी किया गया आपका, तो केंद्र सरकार के द्वारा कहाँ पे? मुंबई के अंदर 13वें ऑफिशियल जो आपका बंदरगाह के, ठीक है, इसके लिए क्या किया गया बच्चा आपका? बजट जारी किया गया। तो याद रखना, आपसे अगर पूछा कि तूतीकोरिन जो पोर्ट है आपका कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे बच्चा आपका? तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बच्चा। मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वेयर इज द मुरलेन नेशनल पार्क बच्चा? कहाँ पे है? सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर या अरुणाचल? मुरलेन नेशनल पार्क, ठीक है ना बच्चा? ये कौन सा पूछा आपसे? मुरलेन की बात की गई यहाँ पे, ठीक है ना? मुरलेन नेशनल पार्क की बात की गई, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है आपका? तो मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ पे बच्चा आपका? हर एक क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा बच्चा आपका? तो ये कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर आएगा आपका बी, मिजोरम में। ठीक है, कहाँ पे बच्चा आपका? मिजोरम में। और मॉर्निंग में आपसे पूछा भी था मैंने कि मिजोरम के अंदर एक त्योहार भी मनाया जाता है आपका, कौन सा है बच्चा आपका? चपचार कुट, बताया था मैंने आप लोगों को। समझ बच्चा आपका चपचार कुट के बारे में, कि ये त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, जैसे कि आपका हॉर्नबिल कहाँ पे? नागालैंड में। समझ लो,
नेक्स्ट चलते बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था? यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछे आपसे तो किसके द्वारा किया गया था बच्चा आपका? 1826 ईस्वी में दोर्जियो के द्वारा बच्चा, समझ रहे हो, यानी कि हेनरी विवियन दोर्जियो के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता बच्चा आपका कौन सा? बी। इसका राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आएगा बी। सभी लोग समय पे आए करें बच्चा। यदि आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप लोग इंतजार मत कीजिए, डेली 9 बजे आपको एग्जाम गुरु के अंदर, ई एग्जाम गुरु यानी कि स्टूडियो टू ई एग्जाम गुरु से आप लोगों को डेली 9 बजे क्लास, बिल्कुल रेगुलर क्लास मिलेगी बच्चा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 के बच्चे। साउंड में तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बच्चा आपका? लखनऊ से 1857 का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था बच्चा आपका? तो ये किया गया था बच्चा किसके द्वारा? बेगम हजरत महल के द्वारा, ठीक है। 1857 की जब बच्चा क्रांति हुई थी भारत में, तो उस समय पर भारत में गवर्नर जनरल कौन था बच्चा? तो कैनिंग उस समय पर गवर्नर जनरल था, ठीक है। उस समय पर कैनिंग क्या था बच्चा आपका? गवर्नर जनरल हुआ करता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। कई बार रिपीट कर चुका हूं, वो द बुक बच्चा बुक का नाम क्या आपका? गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? बुक का नाम क्या बच्चा आपका? गुलामगिरी, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा आपका, गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई बुक है, समझो बच्चा। तो ये किसके द्वारा लिखी गई? आपके ज्योतिबा फुले, समझो। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? हर एक क्वेश्चन का आपको बार पूछा जा चुका आपके पास, ठीक है ना। तो ये लिखी गई बच्चा आपका ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो ये भी याद रखना बच्चा आपका, हर एक क्वेश्चन रिपीटेड है आपका, कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चा आपकी स्क्रीन के सामने, द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा, ठीक है। तो याद रखना बच्चा ये कहाँ पे आपका? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा बच्चा आपका, इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चा आपका? ए, वियना के अंदर है। और साथ ही साथ बच्चा आप सभी लोगों के लिए, यानी कि आपका डीएमआरसी, ठीक है ना, डीएमआरसी का जो आपका एग्जाम है उसके लिए बच्चा आपकी मैराथन क्लास 10 तारीख से शुरू हो रही है, यानी कि 10 फरवरी मंडे से शुरू हो रही है। तो सभी लोग रेगुलर अपडेट रहे और तैयारी भी करते रहे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट चलते बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज द रोल्ड आउट द ओपन, ठीक है ना। अभी क्या किया गया बच्चा आपका? ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल कूल लॉन्च किया गया, तो किसके द्वारा किया गया था बच्चा आपका? केरल राज्य सरकार के द्वारा, समझ लो। ऑनलाइन एक लर्निंग पोर्टल जारी किया गया था जिसका नाम क्या रखा गया? कूल रखा गया, ठीक। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ का हाईकोर्ट कहाँ पे आपका? एर्नाकुलम में। क्यों बता रहा हूँ बार बार? क्योंकि बच्चा जो लक्षद्वीप आइलैंड है इसके ही अधीन आता है, एर्नाकुलम हाईकोर्ट के अंदर, उत्तराखंड का आपका जैसे कहाँ? नैनीताल के अंदर आपका, तो उसी तरह से बच्चा आपका केरल का कहाँ पे? एर्नाकुलम में, और लक्षद्वीप भी इसी के अधीन आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा बच्चा आपके सामने, मसाई करके बच्चा एक जनजाति जो अक्सर आपकी चर्चा में रहती है, तो मसाई जनजाति अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर कौन से कंट्री से बिलोंग करती है? नाइजीरिया, समझ रहे हो, और यही जनजाति है ना, तो ये भी याद रखे बच्चा आप लोग। क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चा हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 18 की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में आप लोगों को मैंने कई बार लेक्चर बताया था, वहां पे पहले भी करा चुका हूं, ठीक है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज किस वर्ष की गई थी, ठीक है ना बच्चा आपका? दयानंद साहनी के द्वारा, ठीक है। दयानंद साहनी बताया था मैंने आप लोगों को, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी आपकी? तो 1921 में, 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या बच्चा आपका? डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, ठीक है, जो क्वेश्चन आपके सामने था उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या रहा बच्चा आपका? क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा बच्चा आपके स्क्रीन के सामने, व्हेन वाज द नेशनल क्रिकेट एकेडमी, नेशनल क्रिकेट एकेडमी का स्थापना किस वर्ष हुई थी? नेशनल, बहुत बढ़िया बच्चा अभिषेक कुमार बच्चा, यहाँ पे अभिषेक गौरव, ठीक है, अभिषेक गौरव बच्चे ने आंसर किया 1921, दयाराम साहनी, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी की स्थापना कब हुई थी आपकी? 2000 में, समझ रहे बच्चा आपका, 2000 में बच्चा इसकी स्थापना हुई थी। और याद रखें बच्चा आपका, ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है आपका? क्योंकि
अभी भारतीय समझ लो भारतीय क्रिकेट में द वॉल के नाम से राहुल द्रविड़ को आप लोग जानते हो, तो राहुल द्रविड़ नेशनल क्रिकेट एकेडमी बैंगलोर के अंदर इसके हेड चुने गए हैं, ठीक है ना, इसके हेड चुने गए, ठीक, तो ये भी याद रखें आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा बच्चा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 20 के आपका, निम्नलिखित में से मुगल शासकों में किसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, अभी रिसेंटली यूपी पीसीएस के अंदर भी पूछा गया था, और ये क्वेश्चन बच्चा ऐसे जो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट का दे कोई भी टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक एग्जाम हो आपका, वो अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर बैन द म्यूजिक एंड डांसिंग, संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था, औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर या बाबर, तो इनमें से कौन सा था बच्चा आपका, और इसी के दरबार में यानी कि इसी के जो बच्चा आपका सबसे ज्यादा जो हिंदू अधिकारी थे इसी के दरबार में थे, तो वो कौन सा शासक था बच्चा आपका, क्वेश्चन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 सुनील कुमार जी का आंसर आया है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या आएगा आपका, ए औरंगजेब, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका, ए औरंगजेब, क्वेश्चन नंबर के साथ मेंशन करिए, जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेंशन कर रहे हो क्वेश्चन नंबर के साथ मेंशन करिए बच्चा, ठीक है, नेक्स्ट चलते बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ये रहा बच्चा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे क्या लिखा गया बच्चा आपका, हु अमंग द फॉलोइंग आर क्रिएटेड द हब, समझ लो बच्चा आपका, फेमस एलोरा केव, निम्नलिखित में से किसने या किसे प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं का निर्माण किया श्रेय दिया जाता है, ठीक है ना, किसे प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं का निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है, राजकूट वंश को, चोल वंश को, या सातवाहन वंश को, या चेर वंश को, ठीक है, किसे आप राज समझ रहे हो आप लोग, तो किसे देंगे बच्चा आप क्वेश्चन का, यानी कि एलोरा गुफाओं के निर्माण कर, तो बच्चा बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका, राजकूटों को, ठीक है ना, राष्ट्रकूट बच्चा यहाँ पे, यानी कि इस क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या आपका, ए राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या आएगा बच्चा आपका, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आएगा बच्चा आपका ए राष्ट्रकूट, समझ रहे हो, क्वेश्चन नंबर 21 का राष्ट्रकूट ही आएगा, ए याद रखना बच्चा आपका, बहुत सारे बच्चे बी आंसर दे रहे हैं बच्चा, ए आएगा इस क्वेश्चन का राइट, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा बच्चा आपके सामने, चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, चार मीनार का निर्माण हैदराबाद के अंदर किसके द्वारा कराया गया था बच्चा आपका, इब्राहिम कुतुब शाह हो गया, कुली कुतुब शाह हो गया आपका, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, या अली आदिल शाह, इनमें से सही आंसर क्या आएगा, मैंने बताया था आप लोगों को उस समय पर प्लेग एक क्या होती थी, महामारी के तौर पर एक रोग डिजीज होता था, ठीक है, प्लेग रोग के रोकथाम के उपलक्ष्य में बच्चा, यानी कि इन्होंने जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है आपका, ठीक है, तो उस समय पर प्लेग रोग होने के कारण से बच्चे क्या होते हैं, इनकी रियासत रियासत उस समय पर लोग गांव के गांव इनकी रियासतें छोड़ के यानी कि बाहर चले जाते थे, ठीक है, तो याद रखना बच्चा उस समय पर यानी इन्होंने क्या कर दिया था, इसे समाप्त कर दिया था, ठीक है, तो उसी उपलक्ष्य में बच्चा इन्होंने क्या बनाया, चार मीनार का निर्माण करा हैदराबाद के अंदर, तो ये सही, बहुत बढ़िया, कुली कुतुब शाह, बहुत बढ़िया बच्चा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका कुली कुतुब शाह, और ये कहाँ पे बच्चा आपका, चार मीनार हैदराबाद के अंदर है, ठीक है, समझ लो, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23 बच्चा ये आपके सामने रहा है, हर एक क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन चंदेलों का स्थापत्य उपलब्धि थी, यानी कि बच्चा आपका अचीवमेंट ऑफ चंदेल जो आपका शासक थे बच्चा, सन टेम्पल कोणार्क, सन टेम्पल आपका मोधेरा मोटेरा, ठीक है, उसके बाद बच्चा आपका महाबलीपुरम का रॉक कट गुफाएं हो गई, या खुजारो मंदिर, यहाँ पे आप चंदेल वंश के शासकों से जुड़ी हुई चीजें, इन चार ऑप्शनों में से क्या है, सभी लोग आंसर को मेंशन करें लेकिन क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या आना चाहिए, जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सबसे पहले कौन आंसर दे रहा है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे शुभम सकलानी जी खुजराहो, बहुत बढ़िया बच्चा आपका खुजराहो, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर खुजराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था बच्चा आपका, चंदेल शासकों ने कराया था, ये कहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर, बढ़िया, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आएगा आपका, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर, और ध्यान देना बच्चा अंतिम, ठीक है, जब हम लोग बच्चा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, 40 के आसपास क्वेश्चन है, उसके बाद आपका क्विज भी रहेगा, यानी कि आपका जहां ऑप्शन नहीं मिलने वाले आपको,
अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो बच्चा ये कहाँ पे आपका, कंबोडिया के अंदर। अंकोर वाट मंदिर यानी कि यहाँ पे किस, तो ये किसके लिए जाना जाता है बच्चा आपका, तो विष्णु भगवान के लिए, ठीक है, विष्णु भगवान के लिए जाना जाता है आपका, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चा आपका। तो अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे, कंबोडिया के अंदर स्थित है। आगे चलते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे रहा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, द पॉइंट ऑर्गन ऑफ अर्थक्वेक इज द कॉल्ड, इपी सेंटर, फोकस सेंटर हो गया आपका, या आपका सिस्मिक जोन हो गया, ठीक है। क्या पूछ रहा बच्चा, भूकंप की उत्पत्ति के बिंदु को क्या कहा जाता है, ऊपरी केंद्र, फोकस केंद्र, या भूकंपीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर जो आपकी स्क्रीन के सामने है, यानी क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या आ रहा है, सबसे पहले कौन आंसर मेंशन कर रहा है बच्चा इसका, ईपी सेंटर होगा या फोकस होगा, बाकी दो तो आपके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बहुत बढ़िया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आया, एक दो बच्चों ने आंसर करा आपका, हाँ फोकस हो गया। यहाँ पे रजनीत, समझ समझ, रंजीत कुमार मौर्य, हाँ बहुत बढ़िया बच्चा। हाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा बच्चा आपका, तो ध्यान देना बच्चा, इसे क्या बोला जाता है आपका, फोकस। आप लोगों को पता है क्या होता है, डायमीटर में, ठीक है। तो डायमीटर में आएगा आपका क्या, जो भी आपका, ठीक है ना, यहाँ पे अर्थ जो, ठीक है। तो ये फोकस जहां से क्या होता है आपका, अर्थक्वेक शुरू होता है, और सरफेस पर इसे एपिसेंटर कहा जाता है, सरफेस पर यानी कि सतह पर आपका एपिसेंटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चा आपका, ये देखिए यहाँ पे आपको एक इमेज में देख लेना आप लोग, ये रहा बच्चा जहां से आपका अर्थक्वेक शुरू हो रहा है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं आपका, फोकस कहा जाता है, द पॉइंट ऑफ प्लेस ऑरिजिन ऑफ द एन अर्थक्वेक कॉल्ड फोकस, समझ लो। तो ये क्षेत्र बचा आपका, और सरफेस पर यानी कि बाहरी क्षेत्र पर आपका, सरफेस पर इस क्षेत्र पर इसे क्या कहा जाता है, तो जहां सरफेस, भूकंप की सतह यानी कि सरफेस पर इसे क्या कहा जाता है आपका, वहां पे बच्चा आपका इपिसेंटर आएगा, ठीक है, यानी ये वाला पोर्शन बच्चा, ठीक, समझ बच्चा आपका। हर एक क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लिया बच्चा आपका, यहाँ पे फोकस हो गया, और इस क्षेत्र पर यानी ये पूरा का पूरा क्या आपका, सरफेस है, तो यहाँ क्या कहा जाएगा आपका, तो ये बच्चा आपका इपिसेंटर, आपका सरफेस पर यानी कि सतह पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बच्चा आपका, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 27, फेसबुक के द्वारा फेसबुक की स्थापना 2000 में होती है, और बस रिसेंटली फेसबुक अपनी एक वर्चुअल करेंसी जारी करने वाला, या व्हाट इज द नेम ऑफ फेसबुक न्यू डिजिटल करेंसी, तो फेसबुक की नई डिजिटल करेंसी का नाम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बच्चा आपका, इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, ये दिया गया आपका, ठीक है। तो बच्चा इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, लिब्रा, फेसबुक की अपनी वर्चुअल करेंसी होगी, और जिसका नाम क्या होगा बच्चा आपका, लिब्रा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चा आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 बच्चा ये आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे बच्चा डीएमआरसी और कोल इंडिया दोनों को ध्यान में रहते हुए क्वेश्चन रखे गए आपके, और रिसेंटली जो आपके एग्जाम में भी पूछे गए होंगे, समझ लो बच्चा आपका। अभी रिसेंटली उत्तराखंड के अंदर फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होने वाला है, तो वहां भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके, ठीक है ना बच्चा आपका। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है, इनमें से कौन सा बच्चा आपका, भारत में सबसे ज्यादा जो आयरन ओर प्रोड्यूस करने वाला जो बच्चा आपका स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, कौन सा आएगा इस क्वेश्चन नंबर 28 का, बी झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कौन सा आएगा बच्चा आपका। आयरन ओर की बात कीजिए बच्चा आपका, आयरन ओर प्रोड्यूस करने वाला, समझ बच्चा आपका, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आना चाहिए, बी झारखंड, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा आपका, बी झारखंड। और याद रखना बच्चा, वैसे अगर आपके एक माइंस की बात करेंगे हम लोग, तो कर्नाटक के अंदर कुंद्रे मुख की खान है बच्चा आपका, ठीक है ना, कुंद्रे मुख बच्चा आपका कर्नाटक के अंदर, जहां पे सबसे ज्यादा ओर आपका क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आता है आपका, तो कर्नाटक के अंदर आपका क्या है, कुंद्रे मुख की जो आपका, ठीक है, कुंद्रे मुख जो आपकी माइंस है वो कहाँ पे, आपके कर्नाटक के अंदर, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या आएगा बच्चा आपका, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 29 बच्चा ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, काकरा पारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है, काकरा पारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज द लोकेटेड इन
विच स्टेट, तो कहां पे बच्चा आपका ये काकरापारा, कहां पे है? तो डी गुजरात के अंदर, कहगा कर्नाटक में, काकरापारा कहां पे बच्चा आपका? गुजरात के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या आएगा आपका? क्वेश्चन नंबर कहगा कर्नाटक में आएगा, काकरापारा है आपका गुजरात में, ठीक है ना। कहगा कर्नाटक बच्चा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया आपका? काकरापारा दिया गया, ठीक है ना। कहगा आएगा आपका कर्नाटक में और काकरापारा बच्चा आपका गुजरात के अंदर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बच्चा आपका। कुंद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खान है आपका। कुंद्रेमुख इज द इंपॉर्टेंट आयरन ओर माइन इज द, कहाँ पे बच्चा? अभी बात करी थी हम लोगों ने, तो याद रखना बच्चा, जो आपका कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा आपका, कर्नाटक के अंदर स्थित है। कुंद्रेमुख की बात करी थी हम लोगों ने अभी, तो ये कहाँ पे? कर्नाटक स्टेट के अंदर, यानी कि सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 बच्चा, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज द माइन, ठीक है, बालाघाट माइन, ठीक है। आपसे क्या पूछा बच्चा आपका? बालाघाट की खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन होता है? बालाघाट यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 बच्चा आपका। यहाँ पे कौन से मिनरल जो कि बच्चा आपका बालाघाट जो आपके माइंस है, ठीक है। समझो बच्चा आपका, ये जो बालाघाट जो आपके खनन कहने, ठीक है। तो याद रखना बच्चा, यहाँ पे किस आपका मैग्नीज हो गया, एल्युमिनियम, कॉपर या चूना पत्थर, किसके लिए जानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 31 यानी किसके लिए बच्चा? जिसके लिए आपकी खेतरी की खान जाती जानी जाती है। इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका? सी, यानी कि बालाघाट कॉपर के लिए जाना जाता है, ठीक है। यदि कॉपर ऑप्शन में ना रहे, यदि बच्चा कॉपर ऑप्शन में ना रहे, तब आपका मैग्नीज आएगा, ठीक है। तब बच्चा आपका मैग्नीज ऑप्शन आएगा। अगर कॉपर ऑप्शन में ना रहे आपका, तब आएगा बच्चा आपका क्या, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, कोडरम झारखंड इज द, इनमें से किसके लिए आपका जाना जाता है? कोडरम इन द झारखंड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द विच वन ऑफ फॉलोइंग मिनरल्स, इनमें से किस खनिज के लिए जाना जाता है, ठीक है। कोडरम झारखंड के अंदर निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? सबसे ज्यादा बच्चा आप पे यहाँ पे, ठीक है, ये भी पूछा जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 32। हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी अभी चैनल पे जुड़ रहे हैं, तो वो सभी लोग बच्चा आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और क्लास में रेगुलर बने रहें बच्चा। ये क्लास आपके एक प्रैक्टिस बेस्ड क्लास है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अभी जो मॉडर्न तरीके से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चा, उसी बेस पे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा बच्चा आपका? माइका के लिए, यानी कि अभ्रक के लिए जाना जाता है। कोडरम झारखंड के अंदर अभ्रक के लिए बच्चा आपका बी राइट आंसर आएगा, माइका। समझ लो, माइका के लिए जाना जाता है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या आएगा आपका? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ द आयरन टर्म इज द आयरन कंटेंट, ठीक है। लौह सामग्री के संदर्भ में लौह अयस्क की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कौन सा होता है बच्चा? इनमें से आयरन का, जब जिसमें सबसे बेटर बच्चा आपका ओर है, किसका? आयरन का, ठीक है। सभी आपके जैसे मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, ठीक है, लिग्नोमाइट हो गया, यहाँ पे याद रखना बच्चा। तो सबसे बेटर जो आपका कौन सा होता है? तो मैग्नेटाइट की बात करते हैं, ठीक है। मैग्नेटाइट जो कि सबसे अच्छा क्या होता है बच्चा आपका? अच्छी गुणवत्ता वाला लोहा होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना बच्चा, ओर है ये, समझो। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा आपका? बी मैग्नेटाइट, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में तांबे की खदान निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉपर माइंस इन इंडिया? रत्नागिरी आपका बैलाडीला हो गई, झरिया आपका रानीगंज हो गई, सिंहभूमि खेतड़ी हो गई, तारापुर या काकरापारा, इनमें से कौन सी जो कि आपका किसके लिए? कॉपर माइंस के लिए जानी जाती है। यहाँ पे बच्चा आपका डीएमआरसी और सभी एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए आपके पास ये क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है। जैसे कोल इंडिया का भी एग्जाम आने वाला आपका, तो सभी एग्जामों को देखते हुए बच्चा, ठीक है। और ये तो बच्चा आपका कॉमन से क्वेश्चन है जो सबके लिए पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, सभी जगह पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आना चाहिए आपका? सी सिंहभूमि, और आपका कौन सा बच्चा? खेतरी, ठीक है। सिंहभूमि और खेतरी बच्चा आपका, खेतरी यानी कि राजस्थान,
खेतरी राजस्थान में बच्चा आपका किसके लिए जाना जाता है, ठीक है? तो ये आपका खेतरी की खान तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? और सिंहभूमि बच्चा आपका ये तांबे के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35, ये रहा बच्चा आपके स्क्रीन के सामने। विच इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया, भारत में बच्चा विच इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। ओडिशा आपका गोवा हो गया बच्चा यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे गोवा आएगा आपका, गोवा, सिक्किम या आपका बिहार। तो सबसे ज्यादा जो आपका कहाँ पे होता है, ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा आपका? तो इसका राइट आंसर आएगा ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 35, राइट आंसर आएगा आपका ओडिशा। समझ लो बच्चा आपका, जो क्वेश्चन आपके सामने था उसका राइट आंसर आएगा आपका ओडिशा, ठीक है? और याद रखना बच्चा, अगर आपसे वर्ल्ड में पूछे विश्व में सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादन कौन करता है बच्चा आपका, तो ऑस्ट्रेलिया आएगा, ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा जो बॉक्साइट आपका उत्पादन होता है, ठीक? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला आपका ओडिशा, यानी कि भारत में ओडिशा, और वर्ल्ड में कौन है बच्चा आपका, जहां पे सबसे ज्यादा आपके बॉक्साइट, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं बच्चा हम लोग। यदि आपसे अगर मैं पूछूं बॉक्साइट किसका ओर है, यहाँ पे अगर आपसे पूछूं बच्चा कि बॉक्साइट किसका ओर है, ठीक, ओर है बच्चा, ठीक? तो ये भी आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, न्यू वैली लिग्नाइट, न्यू वैली निकलाइट बच्चा आपका माइंस आर द लोकेटेड इन विच स्टेट। न्यू वैली बच्चा आपका ये ऑयल रिफाइनरी के लिए जानी जाती है, न्यू वैली जो कि आपका ऑयल रिफाइनरी के लिए जानी जाती है। तो ये कौन से राज्य में आपका, केरल था हो गया आपका, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। केरल में बच्चा आपका कौन सा, वर्खला, ठीक है ना? केरल में कौन सा आपका, वर्खला करके आता आपका, तमिल, ठीक है ना? तमिलनाडु में आपका न्यू वैली हो गया आपका, ठीक है? आंध्र प्रदेश, सॉरी, आपका उड़ीसा में तेलचर हो गया आपका, बिहार में आपका बरौनी हो गया, ठीक है? गुजरात में आपका कौन सा हो गया बच्चा आपका, अंकलेश्वर हो गया, ठीक? और असम में डिगबोई। समझो ये सभी किसके लिए, ऑयल रिफाइनरी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा आपका, बी, यानी कि तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 36, राइट आंसर आएगा आपका बी, तमिलनाडु के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे रहा, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन ये रहे बच्चा आपके सामने। हैमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? हैमिस नेशनल पार्क आपका किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हैमिस नेशनल पार्क उत्तराखंड, असम, जम्मू एंड कश्मीर। तो सभी लोग बच्चे वीडियो को शेयर भी करते रहे। हैमिस है, तो याद रखना बच्चा ये कहां पे आपका, तो लद्दाख के अंदर बच्चा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंदर स्थित है, ठीक है? केंद्र शासित प्रदेश बच्चा आपका लद्दाख में। अगला क्वेश्चन बच्चा आपका, वर्ल्ड हेरिटेज साइट चंपानेर पावागढ़ जो क्या बच्चा आपका आर्कोलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है बच्चा आपका? समझ लो, चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल जो आपका पार्क है बच्चा, ये किस राज्य में स्थित है, बिहार, राजस्थान, गुजरात या हिमाचल प्रदेश? तो याद रखना बच्चा कहां पे आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका, यानी कहां पे बच्चा आपका, ये सी, गुजरात के अंदर, जहां पे रानी की वो, यानी कि इसे क्या किया गया आपका, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बच्चा। ये क्लास आपकी डेली, कृष्णा बच्चा आप तो रेगुलर स्टूडेंट हो तो 9 बजे से ही आपकी क्लास चलती है, ठीक है? तो ये ध्यान देना बच्चा आपका, सभी आपका याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इंडोनेशिया की बच्चा करेंसी क्या है? वर्तमान समय पर अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था बच्चा, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है जोको विडोडो दूसरी बार चुनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर आएगा बच्चा आपका क्या, रुपया, यानी कि डी, बी इसका राइट आंसर आएगा। समझ लो, क्वेश्चन नंबर 39 बी। आगे बढ़ते हैं बच्चा हम लोग आज के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40, हर एक क्वेश्चन बच्चा यहाँ पे ऑप्शन भी दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना?
क्वेश्चन नंबर 40, आपका विच सिटी या आपका यूटी बच्चा केंद्र शासित प्रदेश जिसने पहली बार फूड प्रोसेसिंग यानी जो सम्मेलन 2020 आपका हुआ, तो बच्चा कहाँ पे कौन मेजबानी करेगा इसका, तो ये भी आपका बी लद्दाख के अंदर, और भारत का एकमात्र आपका यूटी या स्टेट जो कि अफगानिस्तान को टच करता है वो कौन है बच्चा, तो वो आपका लद्दाख ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका, अब चलते हैं बच्चा आज के लिए हमारे टॉप 25 क्विज के क्वेश्चन रखे गए, यानी वन वर्ड जो अब तक आप लोग पढ़ चुके हैं, और सबसे पहले जिस बच्चे का आंसर आएगा, ठीक है, तो याद रखना बच्चा, यानी कि 25 क्विज, अब बच्चा आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं रहने वाला है, यानी अब आप इन क्वेश्चनों को आंसर देंगे वन वर्ड में, ठीक है, आंसर लिख के भेजेंगे, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, ठीक है ना। तो बच्चा आपका पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, शिव समुद्रम एक क्या आपका झरना है जो किस भारतीय नदी पर स्थित है, समझ लो, इन विच इंडियन रिवर द सिमु शिव समुद्रम वाटरफॉल लोकेशन सिचुएटेड, यानी कि आपका किस पर बना हुआ है, तो जल्दी आंसर दीजिए, शिव समुद्रम वाटरफॉल कहाँ पे है और किस नदी पर बना हुआ है, किस नदी पर है बच्चा आपका शिव समुद्रम वाटरफॉल, जल्दी से आंसर दीजिए, पहला आंसर किसका आ रहा है, क्वेश्चन नंबर वन, इसका राइट आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर वन बच्चा आपका शिव समुद्रम झरना किस नदी पर है, ठीक है, जल्दी से आंसर ढूंढिए बच्चा, जल्दी आंसर याद करिए, कावेरी, बहुत बढ़िया बच्चा, कावेरी नदी पर, यहाँ पे सुनील बच्चा आपका जोग फॉल है शरावती नदी पर, तो ये किस पे आपका कावेरी नदी पर है, ठीक है, हाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका कावेरी नदी पर है बच्चा आपका, ये शिव समुद्रम वाटरफॉल आपका कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये रहा बच्चा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पानी की जो बूंद होती है बच्चा उसका गोलाकार होने का कारण क्या होता है, पानी की बूंद जो गोल होती है या वर्षा की बूंद, कई बार पूछा जाता है बच्चा आपका वर्षा की बूंद का बच्चा क्या होता है, ये डायमीटर में होती है, यानी कि आपका क्या होता है गोल में होती है, राउंड में होती है बच्चा, सॉरी गोल होने का कारण क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर की बात करेंगे हम लोग, सर्कुलर में होती है तो उसकी वजह क्या होती है, जल्दी से बच्चा आपको इसका आंसर देना है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा बच्चा आपका क्या, इसका कारण होता है आपका पृष्ठ तनाव, समझ रहे हो, इसे क्या बोला जाता है आपका पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है ना, हाँ सरफेस टेंशन बच्चा, बहुत बढ़िया, यहाँ पे राइट आंसर आया आपका, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी आपका 3, ठीक है ना, क्विज के अंदर आपका भारतीय पुरातात्विक परीक्षण का गठन किसने किया था, 1861 में भारत में पहली बार इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे की बात कर रहा है बच्चा आपका, ठीक है, इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे की बात करेंगे हम लोग, तो इसकी शुरुआत भारत में 1861 में पहली बार की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, समझ बच्चा आपका, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन दे रहा है, बहुत बढ़िया, जो भी बच्चा यहाँ पे नया जुड़ा है चैनल से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, तो बच्चा इसका राइट आंसर अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया, जल्दी से आंसर मेंशन करते रहिए, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर देते रहिए, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चा आपका, तो इसका राइट आंसर आएगा बच्चा आपका एलेक्जेंडर कनिंगम, समझ लो, एलेक्जेंडर कनिंगम, एक ही बच्चे ने आंसर दिया यहाँ पे शुभम सकलानी करके बच्चा, ठीक है, तो उन्होंने आंसर मेंशन करा आपका, और कई बार पूछ चुका हूं मैं आपके बारे में, ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में, हाँ अंकुर कुमार ये दून जिन्होंने आंसर मेंशन करा आपका कनिंगम, यानी कि भारत में आर्कोलॉजिकल सर्वे की जो शुरुआत हुई थी 1867 ईस्वी में, एलेक्जेंडर कनिंगम। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा बच्चा आपके सामने, भारत में किस व्यक्ति को जो कि गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते हैं, समझो आपका कौन है बच्चा जो आपका नोन एज द गुरुदेव, किसे जाना जाता है बच्चा गुरुदेव के नाम से, गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन के सामने, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा बच्चा आपका क्या, तो बच्चा यहाँ पे याद रखना रविन्द्रनाथ टैगोर, और इन्हें बच्चा 1913 में क्या दिया गया था बच्चा आपका नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्हें क्या दिया गया था बच्चा, ठीक है, हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है रविन्द्रनाथ टैगोर को बच्चा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा आपका, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, भारत में बच्चा आपका
डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की नीति, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, यदि किसी भी जो कोई अगर रियासत थी बच्चा, अगर वहां पे किसी राजा का पुत्र नहीं होता था तो उसके बाद क्या कर दिया जाता था बच्चा, उस राज्य को या उस रियासत को ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हड़प लिया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या कर लिया जाता था, अपने साम्राज्य क्षेत्र में जबरन मिलाया जाता था। ठीक है, तो डलहौजी ने ये शुरू करा था आपका, समझ बच्चा आपका, ये पॉलिसी आपकी, यानी कि व्यक्तगण की नीति, हिंदी में कहा जाता है आपका व्यक्तगण की नीति, किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसी के समय बच्चा भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत भी हुई थी, समझ लो, इसी के कार्यकाल में पहली बार रेलवे की शुरुआत भी थी। तो सभी लोग ध्यान दें, ये क्वेश्चन हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों के डिमांड पे बच्चा ये वन वर्ड आपका शुरू किया गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चा आपकी स्क्रीन के सामने, भारत में शिक्षा की प्रगति और समीक्षा हेतु विंटर, समझ रहे हो क्या, आपका विलियम हंटर कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन है, हंटर कमेटी बच्चा भारत में क्या थी, हाँ बच्चा ठीक है ना, भारत में बच्चा आपका विंटर, समझ, विलियम हंटर कमेटी किससे संबंधित थी, तो ये एजुकेशन से, और इसकी जो बच्चा आपका गठन किया गया था तो 1882 में, 1882 ईस्वी में एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा के लिए लॉर्ड मैकाले, 1835 वुड डिस्पैच, 1854, समझ बच्चा आपका, 1854 में आपका भारतीय, 1854 में, ठीक है 84 नहीं बच्चा आपका, 1854, 1854 में आपका क्या आता है, वुड डिस्पैच आता है, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद बच्चा आपका 1882 को याद रखिए, विलियम हंटर समिति जो किससे था बच्चा आपका, शिक्षा से था, और वर्तमान समय पर के कस्तूरी रंजन कमेटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए, समझ बच्चा आपका, के कस्तूरी रंजन कमेटी। ठीक है, तो ये क्या बच्चा आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए। नेक्स्ट चलते बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा बच्चा आपकी स्क्रीन के सामने, ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखना बच्चा, पहली बार भारत में जीडीपी की बात करेंगे हम लोग, समझ बच्चा आपका, और प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, साथ ही साथ आपका बच्चा प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे हम लोग, तो इसकी शुरुआत भी किसने दी थी बच्चा, ब्रिटिश काल में दादा भाई नौरोजी, समझ बच्चा आपका, दादा भाई नौरोजी, यानी कि आपका तो राइट आंसर आएगा आपका दादा भाई नौरोजी। ठीक है, हाँ वुड डिस्पैच 1854 बचाया बच्चा मैंने आप लोगों को, वुड डिस्पैच 1854, 1854। नेक्स्ट चलते बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ठीक है, भारत का बिस्मार्क की ये उपमा किसे दी गई बच्चा आपका, तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर यानी कि 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष आप लोग एकता दिवस के रूप में मनाते हो। ठीक है ना, समझ बच्चा आपका, और 1928 में जो आपका किसानों से जुड़ा हुआ बारदोली, ठीक है, बारदोली बच्चा आपका एक क्या था, मूवमेंट था, कहाँ पे, गुजरात के अंदर, वहां पे लीड रोल प्ले करा था किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो ये भी याद रखें आप लोग, हर एक चीज बच्चा मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ, और इन्हें भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया था आपका, तो 1991 में, 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या दिया गया था, तो भारत रत्न अवार्ड भी सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट भारत के किस राज्य में, सभी लोग आंसर को जल्दी मेंशन करते रहिए। ठीक है ना, तो याद रखें बच्चा कोरबा कहाँ पे आपका, छत्तीसगढ़ में, कोरबा छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है, कोरबा जो आपका सुपर थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बच्चा इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित हुआ था, समझ लो बच्चा आपका 3 जून, प्लान आप लोगों को याद होगा, समझ लो 3 जून, जो कि भारत विभाजन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा वो आपका फाइनली कब पारित हुआ था, तो वो होता है आपका 18 जुलाई 1946 को। ठीक है, उससे पहले बच्चा आप लोगों को याद होगा 3 जून, जिसे क्या कहा जाता है बच्चा आपका, भारत विभाजन भी कहा जाता है। ठीक है, या लॉर्ड माउंटबेटन भी कहा जाता है, प्लान भी कहा जाता है आपका, तो याद रखना बच्चा आपका, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पारित हुआ था, 18 जुलाई 1946 को। अगला क्वेश्चन, द गॉडगिल कमीशन इज रिलेटेड, गॉडगिल आयोग भारत में
किससे संबंधित है? तो मैंने आप लोगों को बताया था बच्चा, भारत में सबसे ज्यादा जो बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता, तो नीलगिरी क्षेत्र में, ये यहाँ पे मालाबार तट, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? आपकी जैव विविधता पाई जाती है, और जिस कारण से बच्चा यहाँ पे समझ रहे बच्चा आपका, तो ये एनवायरमेंटल रिसर्च के लिए, समझ लो, एनवायरमेंटल रिसर्च के लिए यानी कि पर्यावरणीय अनुसंधान के लिए गॉड गिल कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा बच्चा आपकी स्क्रीन के सामने, ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पे? आपका लोसाने के अंदर। और IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, स्टैब्लिश 1894, 1894 ईस्वी में बच्चा इसका स्थापना की गई थी। ठीक है, इससे जुड़ी हुई हर एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चा मैंने आप लोगों को बताई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे बच्चा ये क्वेश्चन को हम लोग मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बच्चा। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश कौन सा है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्री? तो बच्चा आपके कौन सी है, विश्व में सबसे ज्यादा चांदी उत्पादन करने वाली कंट्री कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्री? तो याद रखें बच्चा कौन सी है आपकी, तो मैक्सिको। विश्व में सबसे ज्यादा बच्चा आपका तो सभी जो लोग याद रखें बच्चा आपका सबसे ज्यादा चांदी उत्पादन कहां पे होता है बच्चा आपका, ये मैक्सिको के अंदर। और जो भी बच्चा यहाँ पे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए बच्चा, जिस बच्चे का भी 16 फरवरी को आपका एग्जाम है उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का बच्चा, उनके लिए कल मॉर्निंग में 5 AM to 5 PM 12 घंटे की आपकी मैराथन क्लास रहेगी उत्तराखंड, समझ रहे आपका, हिंदी ग्रामर और साहित्य की। ठीक है, तो आपके लिए काफी बेनिफिट होने वाला बच्चा इस क्लास के लिए, तो आप सभी लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस क्लास को रेगुलर देखें बच्चा, जिसका काफी फायदा होगा आपको। ठीक है, गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आगे चलते हैं बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। द टनल ऑफ टाइम किसकी आत्मकथा है? द ऑटोबायोग्राफी। और भारत में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे जिनका 2016 में निधन हो गया, तो बच्चा अगर पूछा जाए आपसे बच्चा, ठीक है, तो याद रखें बच्चा इसका सही आंसर क्या आएगा आपका, आर के लक्ष्मण। ठीक है, आर के लक्ष्मण एक कार्टूनिस्ट थे, 2016 में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा बच्चा आपका, ठीक है, द टनल ऑफ टाइम किसकी आत्मकथा है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा बच्चा आपके सामने, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो अभी बात करी थी मैंने आपको कि भारत का सबसे बड़ा, ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो आपका कौन सा आएगा बच्चा, हेमिस नेशनल पार्क, समझो बच्चा आपका। और सबसे छोटा नेशनल पार्क की बात करेंगे हम लोग एरिया वाइज, तब आएगा बच्चा आपका कौन सा, साउथ बटन, ठीक है ना, साउथ बटन करके आता है बच्चा आपका, साउथ बटन। ठीक, और ये कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा और एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ये इसका राइट आंसर था आपका लद्दाख। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? समझो बच्चा, यहीं पे आपका क्या है, इंडियन पुलिस एकेडमी भी यहीं पे स्थित है, समझ लो बच्चा आपका। और यहीं पे बच्चा आपका क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भी यहीं पे स्थित है, इंडियन रेगुलेटिंग, समझो, IRDAI, इसका मुख्यालय भी यहीं पे, यानी इन तीनों का मुख्यालय बच्चा आपका यहीं पे इसी जगह पे। तो ये सिटी कौन सी है आपकी, इंडियन पुलिस एकेडमी हो गई, इंडियन इंश्योरेंस, समझ, सॉरी आपका, इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, समझो बच्चा आपका, इंश्योरेंस रेगुलेटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बच्चा। तो याद रखे बच्चा ये कहाँ पे आपका, तो ये हैदराबाद के अंदर है, समझ लो, हैदराबाद बच्चा आपका यहीं पे, मैंने आपको बताया था हैदराबाद के अंदर बच्चा आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपका। तो जैसे कि आपका मीना मक्कम कहाँ पे, चेन्नई में है, तो बेगमपेट जो कि आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बच्चा आपका हैदराबाद में ही स्थित है। ठीक
ठीक है। और हैदराबाद शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बच्चा बच्चा आपका मूसी नदी के किनारे। और मूसी किसकी ट्रिब्यूट है, यानी कि किसकी सहायक नदी है? तो मूसी बच्चा आपका कृष्णा की सहायक नदी है। एक के साथ आपके कितने क्वेश्चन जुड़ गए, और ये तेलंगाना के अंदर। बहुत बढ़िया, यहाँ पे एक बच्चा श्यामल करके बच्चा, उन्होंने आंसर दिया कि हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है, और अगले 24 वर्षों के लिए, यानी कि 2014 2 जून से लेकर आपका 2024 1 जून तक क्या रहेगी बच्चा, ये आपका संयुक्त राजधानी रहेगी। किसकी? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। अब इससे ज्यादा कितना चाहिए बच्चा? सारी चीजें क्लियर कर दी आपकी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके कितने सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, समझ रहे बच्चा आपका? आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसी तरह से आप भी याद रखिए, एक ही क्वेश्चन से आपके कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, समझ रहे बच्चा? यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं आपके पास, वैसे ही पूछ लेता हूं आपको कि भारत में लोकसभा की अवधि 5 साल से बढ़कर 6 वर्ष कर दी गई थी, तो ऐसा कब किया गया था? ठीक है, ठीक है ना बच्चे, ये भी ध्यान देना आप लोग। अच्छा, इसका नाम बदल कर आपका क्या कर दिया, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखना बच्चा आपका लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर आपका कितना 6 वर्ष किया गया था, तो कब किया गया था? 1976 में। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन कौन सा था बच्चा आपका? ये तो 42वां था। ठीक है, तो उस समय पर कार्यकाल 5 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया बच्चा आपका? तो 6 कर दिया। और जस्ट उसके 2 साल बाद यानी कि आपका क्या होता है, 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, और फिर से 6 से घटाकर 5 कर दिया गया। तो ये भी याद रखना बच्चा, ठीक है। उसके जस्ट बाद आपका 6 से घटाकर आपका कितना 5 कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1984 में बच्चा आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तब बच्चा आप लोग कहीं ना, अगर आपका कई बार बच्चा मैं राजीव गांधी बता चुका था आप लोगों को, लेकिन उसे मेंशन करना आप, इंदिरा गांधी उसका सही आंसर आएगा। ठीक है, इसलिए बच्चा बार बार रिपीट करता हूं, यदि कभी कहीं पर ऑरली अगर एरर हो जाता है तो उसमें बिल्कुल सुधार की मैं कोशिश करता हूँ बच्चा, ठीक है। तो इसलिए आप बैक टू बैक क्लासेस भी देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपका, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? हु इज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ बच्चा आपका? तो गीता मित्तल, ठीक है ना, गीता मित्तल। क्वेश्चन नंबर 20, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा बच्चा आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज द राइटर ऑफ द मिनिस्ट्री एटमोस्ट हैप्पीनेस? द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ऐसा क्वेश्चन अगर आप एग्जामिनर पूछे तो ये भी याद रखना बच्चा, ठीक है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई बच्चा? ये तो ये लिखी गई अरुंधति रॉय के द्वारा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बच्चा, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब रह गए बच्चा आपके लास्ट 4 क्वेश्चन, समझ रहे बच्चा आपका, लास्ट 4 क्वेश्चन रह गए। साथ ही साथ बच्चा आप ध्यान देना, इंजीनियर एकेडमी यानी कि इंजीनियर एकेडमी देहरादून जो टेक्निकल चैनल बच्चा आपका स्टूडियो 1, वहां पे आप लोगों की यानी कि 10 फरवरी से डीएमआरसी के लिए बच्चा, डीएमआरसी के लिए आपकी क्या चल रही, मैराथन क्लास चल रही है। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और प्रैक्टिस पर आप लोग रेगुलर बने रहें, जैसे आप लोगों ने पिछली क्लासों में साथ दिया बच्चा, उसी तरह से इस क्लास को भी आप लोग एक ऐतिहासिक तौर पर बना दें, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चा आप लोग लाइव रहे। ठीक है, टेक्निकल के साथ साथ आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन भी होगा, और पूरा का पूरा आपका डीएमआरसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, समझ लो, यानी कि जो आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया। अब यहाँ पे आपकी शिकायत थी बच्चा इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी क्लास रहेगी आपकी, इंग्लिश ग्रामर वाला पोर्शन जो डीएमआरसी में पूछा जाएगा उसकी भी आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, तो वहां पे भी आप लोग प्रैक्टिस के लिए बने रहे। तो इस क्वेश्चन आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो बच्चा आपका पूर्ण स्वराज की जो आपका एडॉप्ट किया था, कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 में। और आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर बच्चा ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, चंपानेर पावागढ़ कहाँ पे बच्चा आपका? ये गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बच्चा क्या आपका, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो किस शहर में बच्चा आपका ये?
अभी रिसेंटली बताया था मैंने आप लोगों को मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर, क्योंकि आपको याद होगा रसिया अगले 4 वर्षों तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में भाग नहीं ले सकता। रूस बच्चा आपका अगले 4 वर्षों तक, रसिया बच्चा क्या होगा, कोई भी जो आपका अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर कोई भी इवेंट होगा उसमें भाग नहीं लेगा। तो किस कारण से बच्चा, क्योंकि वहां पे समझ डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण अगले 4 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया रूस के सभी एथलीट पर। तो डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये आपका कनाडा के अंदर, जबकि भारत में क्या है बच्चा आपका नाडा। ठीक है, नाडा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो क्या करती बच्चा भारत में खेलों से जुड़ा हुई एक एजेंसी है, जिसका याद रखना बच्चा, ठीक है ना। हाँ बच्चे, नॉन टेक सभी है, अभिषेक गौरव बच्चा नॉन टेक सभी के लिए रहेगा बच्चा आपका, ठीक है, क्योंकि देखो आपका कोल इंडिया का 26 में है, तो आप लोग यहाँ पे नॉन टेक सभी के लिए आपका कंबाइंड रहेगा बच्चा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, आपका नाडा की बात करी मैंने, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया, सुनील सेठी को चुना गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते बच्चे हम लोग आज के लिए अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, और इस क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा दे रहा सबसे पहले देखते हैं आपका, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 बच्चा ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बच्चा आपके, जो आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, फिक्की के अध्यक्ष कौन है, इसकी स्थापना होती है आपकी 1927 में, 1927 में, इसी समय पर किसकी हुई थी बच्चा आपका, ऑल इंडिया रेडियो, उसके साथ साथ साइमन कमीशन भारत आया था आपका 1927 में, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना बच्चा, वर्तमान समय पर फिक्की के अध्यक्ष कौन है आपका, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था आपका संगीता रेड्डी, ठीक है ना। संगीता रेड्डी वर्तमान समय पर क्या है बच्चा आपके, बहुत बढ़िया यहाँ पे, ठीक है, हाँ संगीता रेड्डी बच्चा, ठीक है ना। कुलदीप नेगी बच्चा, हाँ आप उत्तराखंड से हो, ठीक है, तो यहाँ पे उत्तराखंड वाले बच्चे याद रखें आप लोग, जो भी बच्चा उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड यानी कि UKFG के लिए बताया बच्चे मैंने, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा जो आपका एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है बच्चा, कब, 16 फरवरी को जो एग्जाम हो रहा है आपका, ठीक है, उसके लिए बच्चा आपका हिंदी, हिंदी आपकी 20 मार्क्स की आने वाली है, तो आप लोगों के लिए कल मॉर्निंग में यानी कि सुबह 5 बजे से इसी चैनल पर, एग्जाम गुरु चैनल पर 5 बजे से लेकर, और आपका कब बच्चा, शाम को 5 बजे तक आपकी पूरे 12 घंटे की ग्रामर और साहित्य की क्लास रहेगी, जिसमें आपका बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट रहेगा, तो आप सभी लोग बच्चा, ठीक है। अच्छा बच्चा, यहाँ पे आंसर सही दिया था, ओके बच्चा, ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे, कृष्णा बच्चा आपका आंसर आया था संगीता रेड्डी, ओके बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दे बच्चा आप लोग, यदि आपका कोई सवाल है आप पूछ सकते हो, सभी लोग पूछ सकते हैं बच्चा, यदि आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको बताया, मैराथन क्लास आप लोगों की शुरू की जा रही है, जो 10 फरवरी से स्टार्ट होगी, अभी आपका उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए ये एग्जाम गुरु से चैनल शुरू, क्लास शुरू हो रही है आपकी, ठीक है। तो बच्चे सभी ध्यान दें आप लोग, आप लोगों के लिए ये यानी कि इंडियन एकेडमी देहरादून हर बेटर वे, जो भी अच्छा जो बेटर वे होगा बच्चा उसे शुरू करेगी, ठीक है। तो SSC के लिए बच्चा आपकी शुरू की जाए क्लासेस। तो बच्चा आज का लेक्चर मैं यही समाप्त कर रहा हूँ, फिर मिलेंगे बच्चा हम लोग मंडे को करंट अफेयर क्लास यानी कि मॉर्निंग में, सुबह जो आपकी 6 बजे से स्टार्ट होती है बच्चा। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे बच्चा मंडे को, शुभ रात्रि, तब तक के लिए धन्यवाद।